हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज की इस वीडियो में विंडोज़ की एक ऐसी ट्रिक जो है आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसे जानने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, आप जो है 100% इस ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका कंप्यूटर आपके पीठ पीछे कोई यूज़ करता है ना, तो वो भी ना सर पकड़ लेगा, यानी परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया कंप्यूटर में। आपका कंप्यूटर जो है सिर्फ आप ही से चलेगा, बाकी और किसी से नहीं चलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को पता है, वो आता है आपके पीठ पीछे, आपका कंप्यूटर ऑन करता है, पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन हो जाता है। अब होगा क्या, आपका कंप्यूटर जो है जैसे ही लॉगिन होगा ना, उसके तुरंत बाद शटडाउन हो जाएगा। वो फिर दोबारा आपके कंप्यूटर को ऑन करेगा, फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन होगा और फिर शटडाउन हो जाएगा। जब आप जो है उस कंप्यूटर को चलाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका कंप्यूटर जो है शटडाउन नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा और इस ट्रिक को कैसे करनी है और क्या क्या इसमें हमें जो है यानी टेक्निक्स का यूज़ करना है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नोटपैड को ओपन करना है, रन में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड। आपका नोटपैड जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक कोड टाइप करना है। मैं यहाँ पे @echo ऑफ कर रहा हूँ, जिससे जो है जब मेरा कंप्यूटर ऑन होगा तो उसके बाद जो है ये स्क्रिप्ट जो है जब रन करेगी तो शो नहीं होगी, ठीक है, इसलिए मैंने echo ऑफ किया है। अब यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना है shutdown space -s, ठीक है, मेरा कंप्यूटर होगा अब shutdown। अब मेरे को यहाँ पे टाइमिंग सेट करनी है, जितनी आपको टाइमिंग सेट करनी है उतना आप लिख दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अंडर 40 सेकंड्स के अंदर जो है कंप्यूटर मेरा टर्न ऑफ हो जाए, जब कोई दूसरा यूज़र जो है मेरे कंप्यूटर को चलाए। सिंपल सा एक कोड है, एक कोड टाइप करने के बाद आपको इस फाइल को जो है सेव कर देना है, सेव एस, ठीक है। मैं इसे डेस्कटॉप में लैब नाम के फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ। स्मार्ट शटडाउन फाइल का नाम दे देता हूँ .bat। फाइल का नाम आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, बस लास्ट में आपको .bat लगाना कंपलसरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं लगाएंगे ये ट्रिक जो है वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे आपको कर देना है सेव। सेव करने के बाद इस फाइल को कर देना है क्लोज। तो देखिए डेस्कटॉप में लैब नाम के फोल्डर में ये फाइल जो है आ चुकी है, स्मार्ट शटडाउन .bat। तो ये देखिए कोड ये रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, bat to exe कन्वर्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने केस में हम 64-bit यूज़ कर रहे हैं, तो हम 64-bit का जो है इसको यूज़ करेंगे। आप जो है इसको देख लीजिएगा यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके कि आपका कंप्यूटर 64-bit है या 32-bit, अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से उस एप्लीकेशन को रन कर लीजिएगा। अगर आपका 32-bit है तब आप इस वाली को यूज़ कीजिएगा, 64 है तब आप इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन रन होने के बाद आपको जो है विजिबिलिटी इनविजिबल कर देना है। इनविजिबल करने के बाद आर्किटेक्चर में यहाँ पे 64 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो मर्जी रख लीजिएगा। अगर आपका 32-bit का OS है तब आप 32-bit में ही रन कीजिएगा, वरना ट्रिक वर्क नहीं करेगी फ्रेंड्स। और मैं आपको यही बोलूँगा, आप अपने केस में 32-bit ही रखिएगा, मैं अपने केस में 64 रख रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैच फाइल जो है इसमें आपको ब्राउज़ करना है और यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप में लैब नाम के फोल्डर में मेरी ये फाइल जो है जो मैंने सेव करी थी .bat वाली, इसको कर देना है ओपन। जैसे आप इसको ओपन कर देंगे बस आपको यहाँ पे क्या करना है, कर देना है कंपाइल। तो ये फाइल जो है कंपाइल हो जाएगी और exe में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को कर देता हूँ एग्ज़िट। एप्लीकेशन एग्ज़िट होने के बाद मैं दोबारा से इसी फोल्डर में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर में मेरे को स्मार्ट शटडाउन .exe जो है फाइल यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले ये फाइल ये थी, हमने जो है इस फाइल को बैट से .exe में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को करना है कॉपी। मैंने कर लिया इस फाइल को कॉपी। अब आपको जाना है अपने माय कंप्यूटर में, जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आने के बाद आपको आना है यूज़र्स में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस अकाउंट से लॉगिन होंगे आपको जो है उसी अकाउंट में जो है जाना है। मैं अपने केस में यहाँ मिस्टर बॉट से लॉगिन हूँ, देखिए मेरा अकाउंट जो है मिस्टर बॉट से लॉगिन है, तो इसलिए मैं मिस्टर बॉट में जाऊंगा। आपके केस में बहुत सारे अकाउंट भी हो सकते हैं, तो मैं अपने केस में मिस्टर बॉट से लॉगिन हूँ तो मिस्टर बॉट में आ गया मैं। अब यहाँ आने के बाद आपको व्यूज़ में जाना है और यहाँ पे जो है हिडन आइटम्स जो है
इस पर जो है आपको चेक कर देना है, जिससे आपके कंप्यूटर की हिडन फाइल्स जो है शो होने लगेगी। यहाँ पे आपको ऐप डेटा नाम का जो हिडन फोल्डर है ये दिखेगा, इसमें आपको जाना है। इसमें आने के बाद आपको रोमिंग में जाना है। जब आप रोमिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर मिलेगा, इसमें आना है। इसमें आने के बाद आपको आना है विंडोज़ में। जब आप विंडोज़ के अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ फोल्डर मिलेगा स्टार्ट मेन्यू। यहाँ आने के बाद आपको प्रोग्राम्स में आना है। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्टअप में आना है, ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर स्टार्टअप में, और इस फाइल को कर देना है यहाँ पे पेस्ट, जो हमने इस फाइल को क्रिएट किया। जब आप इस फाइल को पेस्ट कर देंगे तो अब होगा क्या, हमने कहाँ पेस्ट किया इस फाइल को, स्टार्टअप में। अब स्टार्टअप में पेस्ट करने से होगा क्या, जब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यानी अब की बात, जब भी मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा या शटडाउन करके दोबारा ऑन करूंगा, तो मेरे कंप्यूटर में होगा क्या, स्टार्टअप में ये exe जो है रन करने लग जाएगी। जब भी मैं अपने सिस्टम में लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद जैसे कुछ वर्क करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। इंस्टेंटली नहीं होगा, इसमें हमने जो 40 सेकंड का टाइमिंग दी है, 40 सेकंड के यानी 40 सेकंड्स के अंदर ही जो है आपका कंप्यूटर जो है शटडाउन हो जाएगा। तो अब देखिए होगा क्या, जैसी ये फाइल जो है, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन हो जाएंगे यानी लॉगिन करके कंप्यूटर में आ जाएंगे, तो ये फाइल जो है रन करेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा यूज़र तो ऐसे सोच के जो है क्लोज कर देगा और कंप्यूटर जो है हो जाएगा आपका शटडाउन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आना है रन में। जब आप अपने केस में कंप्यूटर चलाएंगे, सीएमडी में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है शटडाउन, ठीक है, और यहाँ पर कर देना माइनस ए और कर देना एंटर, तो यहाँ पर आपका जो है लॉग ऑफ हो जाएगा। आपको जो है ऐसा करने के बाद हमेशा जो है इस कमांड को एंटर करना है कंप्यूटर ऑन होने के बाद, तब आपका कंप्यूटर शटडाउन नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा पर्सन जब इसको लॉगिन करेगा अपने अकाउंट को आपके कंप्यूटर में, आप ही का अकाउंट को जब लॉगिन करेगा, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक बार बार शटडाउन होता जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी अच्छी ट्रिक थी जो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर करी है। इसी तरीके की ट्रिक्स को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छी लगी, तो जो है वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।